हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल निखार ब्यूटी और पर्सनल केयर में। दोस्तों आज मैं आई हूँ लक्ष्मी मंदिर। ये लक्ष्मी मंदिर का रास्ता है औरंगाबाद वाराणसी में जद्दू मंडी के पास ये मंदिर स्थित है और इसकी बहुत ही खास मान्यता है। दोस्तों आज से यहाँ का जो है 16 दिन का पूजा शुरू हुआ है, जिसमें नई मूर्ति ले जाई जाती है और पुरानी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और साल भर तक उसी मूर्ति की पूजा की जाती है। तो मैं आई हूँ आज आपको दर्शन कराने। मुझे भी अपनी पुरानी मूर्ति विसर्जन करना है और नई मूर्ति घर लेके जाना है, तो पहले ही हम लोग नई मूर्ति खरीदेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से औरतें जो हैं मन्नत मांगती हैं, लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए और सब लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की ये यहाँ का लक्ष्मी कुंड है और इसकी भी बहुत मान्यता है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से यहाँ लोग दर्शन पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं। पुरानी मूर्ति का विसर्जन यहीं पे किया जाता है और नई मूर्ति यहीं से लेके जाई जाती है। तो मैं भी आज पुरानी मूर्ति का विसर्जन करूंगी और नई मूर्ति यहाँ से ले कर जाऊँगी। तो आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हैं और ये खास आज इस समय लगी होती हैं। यहाँ खूब सुंदर सुंदर मूर्ति मिलती है लक्ष्मी। चलो हो गया, बड़ी प्यारी प्यारी मूर्ति माता लक्ष्मी की मिलती है यहाँ पे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जिस तरह की भी मूर्ति खरीदना चाहते हैं उसको खरीदिए और अपने घर ले जाइए, उनको स्थापित करिए और उनकी खूब लगन से मन से पूजा करिए। और लक्ष्मी माता से यही मानिए कि लक्ष्मी माता की कृपा और दया आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और इधर से बहुत सारी दुकानें लगी हैं जहाँ लक्ष्मी माता मिलती हैं। मैं भी एक छोटी सी मूर्ति लूँगी क्योंकि मेरी दुकान में जगह नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ी मूर्ति ले नहीं सकते हैं। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति मिल रही है। कैसे है ये छोटी वाली माँ? और ये सब 50 रुपये? ये 50 और 80 ऐसा क्यों? वो तो मतलब देखिए बड़े छोटे महंगा रहना। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति है यहाँ पर लक्ष्मी माँ की। इसका दाम कुछ कम नहीं करेंगी? ये वाली मुझे चाहिए थी। नहीं, उसी में की मूर्ति तो हम विसर्जन के लिए भी लाए ना, क्योंकि मेरी यही मूर्ति है। हाँ, ये छोटा जगह है ना मंदिर में, तो नहीं वो नहीं रखते, यही रखते हैं। ये ले लेंगे। तो कितने का देंगी? 70 रुपये देंगे। सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं और ये महिलाएं हैं जो माला तलस लक्ष्मी की पूजा के लिए यहाँ से मूर्ति लेके जाएंगी। भैया मूर्ति ये वाली कितने की है? इसकी छोटी, इसकी छोटी मूर्ति ये वाली की छोटी, बस वो सामने जो सबसे छोटी वही है ना, 80 रुपये की है वो। हेलो फ्रेंड, यहाँ हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त मिल गई हैं जो दर्शन करने के लिए आई हैं। अपना नाम बताइए। स्वाति जायसवाल। स्वाति जी, किस तरह से मान्यता है आज से क्या शुरू हो रहा है लक्ष्मी जी का और सब लोग मूर्तियाँ क्यों ले रहे हैं? आज के दिन से लक्ष्मी जी का 16 दिन पूजा जाएगा। 16वें दिन जुटिया पड़ता है जो कि पुत्र के लिए रहा जाता है। अच्छा, तो बाकी माता जी बताएंगी। माता जी आप बताएंगी थोड़ा सा कि जूतिया व्रत किस लिए रहा जाता है और आज से जो पूजा शुरू है, आज से जो पूजा शुरू है ये 16 दिन की, तो क्या रेगुलर यहाँ 16 दिन दर्शन करना आना जरूरी होता है? नहीं, जब घर पर पूजा कर रही हो ना। तो मूर्ति कैसे आप लोग बदलते हो? जैसे पुरानी मूर्ति आज ही के दिन बदलना होता है? जैसे आज कल संडे हो जाएगा। अच्छा, आज ले लो। हाँ, कल से पूजा शुरू हो जाए। और जो पुरानी मूर्ति है हटाना नहीं है? हटाना नहीं है। जैसे इनका पूजा पाठ करोगे फिर वो विसर्जन कब करेंगे? जब का नाम भाई 16 दिन जीत जाएगा, मंगल आतवार मंगल को विसर्जित मत करो। अच्छा, या बुध को या सोमवार। इसमें औरतें व्रत भी रहती हैं क्या? तो 16 दिन चढ़ती चढ़ती जो रहता है कल से रहे कल, जिसको नहीं तो पूरा 16 दिन भी लोग रहते हैं। नहीं, नहीं। तो जो मन्नत माने रहता है, जिसका श्रद्धा है माँ का, वो रहता है अपना। अच्छा,
तो आपने सुना है इस तरह से औरतें जो हैं व्रत पूजा करती हैं, 16 दिन का पूरा दर्शन करती हैं और इसीलिए यहाँ इतनी मूर्तियाँ बिक रही हैं। पुरानी मूर्ति का विसर्जन अभी नहीं करना है, जैसा कि माता जी ने कहा है, वो जब 16 दिन हो जाएगा तो हम पुरानी मूर्ति का विसर्जन करेंगे। अब उनका पूजा करेंगे नए वाली का, तो इसे उनका होगा नई की उनको हटाओ, अब नया रख दिए तो नया पूरा खत्म हो जाएगा, तब इनको रख कर उनको कर देना, जैसे उसी जगह रहेंगे जहाँ रखे उसी जगह रहेंगे, दोनों लोग का पूजा होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिसको मालूम नहीं है वो उसको आज ये बात पता, यहाँ से चल हमारा विंध्याचल से आई है। हाँ, यहाँ पर नहीं होता, हमारी लोग आई है। अच्छा अच्छा, सास करती थी तो हम अपने सास का अपना वो तो चला आता है रीत थी। नहीं अभी किया नहीं, मैं लाई थी, मैंने सोचा शायद आज करना होगा, पर जैसा कि इन्होंने कहा कल संडे हो जाएगा। अच्छा, के बाद एकादशी जलाएगा तब। हाँ, हम नहीं करेंगे लेकिन आपका सुन लिए तो। और हमने ये देखिए छोटी सी मूर्ति ली है अपने मंदिर के लिए, क्योंकि हमारा मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो उसमें जितनी बड़ी माता की मूर्ति हटेगी मैंने वैसे ही ली है। और यहाँ पर भी ये बहुत ही पुराना मंदिर है, ये है प्राचीन आदि लक्ष्मी मंदिर। तो आइए, यहाँ सिद्धि विनायक भी हैं तो इनका भी दर्शन कर लेते हैं पहले। जय माता की। ये हमारा मंदिर है जहाँ सामने विष्णु भगवान है और इधर हमारी लक्ष्मी माता है। ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है, ये पुराना मंदिर है और इसके आगे वाला नया मंदिर है, ऐसा मान्यता है। जय हो लक्ष्मी मैया। यहाँ सब औरतें दिया जला रही हैं और यहाँ पर गणपति जी भी हैं। ये देखिए सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक जय गणपति, हाय तेरे जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बोल दे गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ हमारे शिव गुरु भी विराजमान है, जो हर मंदिर में इनके बिना वो मंदिर पूरा नहीं होता। बाबा आशीर्वाद दे सबको। और यहाँ से कुंड दिखता है, कुंड का नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है, ये दिखाती हूँ। संकट मोचन, बोलिए संकट मोचन भगवान की जय। और यहाँ भी हमारे गणपति जी हैं, इधर से कुंड दिखता है, थोड़ा सा इधर होइए दीदी। तो ये देखिए यहाँ से कुंड कितना सुंदर दिख रहा है, हालांकि कुंड की सफाई समय समय पर होती है, पर कुंड में हरापन है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए मूर्ति विसर्जन करते हैं लोग, पुरानी मूर्ति को बहुत लेडीज़ जो है विसर्जन कर रही हैं। और मुझे यहीं आके पता चला कि 16 दिन तक मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो मैं भी अभी विसर्जन नहीं करूँगी मूर्ति का, और उस मूर्ति को भी रखी रहूँगी, 16 दिन के बाद मैं विसर्जित करूँगी। ये है लक्ष्मी कुंड, जहाँ का जल का भी बहुत मान्यता है। इस जल को ले जाकर अगर आप पूरे अपने घर में छिड़कते हैं, अपने पैसे वाले स्थान पर छिड़कते हैं, तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती है और आपके लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। और लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करना दोस्तों कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी मैया हमारे ऊपर मेहरबान रहे। तो मैं भी यही दुआ करती हूँ कि मेरे सारे देखने वाले जो लोग हैं, जो इस समय देख रहे हैं, उन सबको लक्ष्मी मैया अपना आशीर्वाद दें। और आगे चलते हैं हम पुराने नए वाले मंदिर में, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों उस मंदिर में। और
और यहाँ लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहा है। आप चाहें तो अपनी माता लक्ष्मी को वस्त्र भी पहना सकते हैं। और ये गली है जहाँ पर माँ का मंदिर है। और आइए आपको मंदिर ले चलते हैं। मैं मेरी लक्ष्मी माता भी मेरे साथ जा रही हूँ। जय हो माँ लक्ष्मी की। मैं इनको भी दर्शन कराऊंगी। ये है लक्ष्मी माता का मंदिर। आइए अंदर चलते हैं। कल संडे है, मैं कल आने का सोच रही थी पर बहुत भीड़ होगा इसलिए मैं कल नहीं आई, आज आई हूँ। ये काली माता और सरस्वती माता है। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, कल इससे भी ज्यादा भीड़ होगा इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही दर्शन कर लूँ और आप लोग के लिए ब्लॉग बना दूँ। इस मंदिर की बहुत मान्यता है दोस्तों। और जूतिया के व्रत में तो यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और यहाँ की मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। बहुत ही पुरानी मंदिर है ये। जय हो माता लक्ष्मी। जय हो माता लक्ष्मी। यहाँ पर प्रसाद के लिए पर्ची भी कटाई जाती है और यहाँ पर बहुत सारी देवी हैं जहाँ का लोग दर्शन कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर में। और ये जूतिया माता है जिनका 16 दिन पूरा हो जाएगा तो जूतिया का व्रत होगा, पूजा होगा, इन्हीं माता का पूजा होगा। जय माता दी। यहाँ प्रसाद के लिए पर्ची कटाई जाती है। सेवत हर विष्णु दाता ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमलारानी तुम ही जग की माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता रे सिद्धि पाता जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की प्राता जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता तुम बिन यज्ञ न हो भी वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव सब तुम से आता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी को सब लेडीज अपने घर ले जाती हैं। इन्होंने भी देखिए माता को अपने घर ले जाएंगी पूजा करने के लिए। पहले भी आप पूजा करती थी तो पुरानी वाली मूर्ति कहाँ है? आप अभी घर ही पर है, उसका विसर्जन कब करेंगी? अब तो सिर्फ पूजा चालू हो गई है ना तो इस वजह से उनका विसर्जन अभी नहीं करेंगे। अच्छा, तो जगह चेंज करके इनको रखते इनका पूजा करेंगे उनको जब। अच्छा ये बताइए इनको रखना कैसे है, मतलब क्या चावल की? मैंने सुना है कि ढेरी वेरी बना कर लाल कपड़ा बिछा कर चावल रख कर स्थापना करते हैं वो सब चलता है ना। अब जैसे कि साल की जो देवियाँ बैठती हैं या देवता को बैठाते हैं ना तो जैसे कि इनका 16 दिन पूजा चलता है। अच्छा, तो आज यहाँ से जैसे मंदिर से खरीद के यहाँ से पूजा कराकर और विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करवाएंगे। कैसे पूजा करवाएंगे इनकी? वो वहाँ पे जाएंगे मंदिर के पास में तो गुरु जी इनका ये प्लास्टिक है खोल कर इनको सिंदूर से विष्णु भगवान के पास से चढ़ा देंगे।
सिंदूर भर देंगे, उनके सुहागन हो जाएंगे, फिर उसके घर पे ले जाके जो बगल में विष्णु भगवान है इधर से आएंगे। हाँ हाँ, एक एक बीच में भगवान वहाँ पर जाके करना होगा इनका। अच्छा, कर लेंगे फिर उसके बाद घर पे ले जाके अपने मंदिर वाले स्थान पे ले जाकर इनकी चुनरी जो ली है उसको उड़ाकर माला उनका श्रृंगार करके बाद फूल लगाकर दिया आरती करेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया, ये मुझे पता नहीं था कि विष्णु भगवान से इनका मांग भी भरवाना है। मैं अभी जाकर अपनी भी लक्ष्मी माता का ये करवाऊंगी। और आज जूतिया व्रत भी रहती है मैडम? नहीं, मेरी सास माँ रहती है। अच्छा, घर में कोई रहता है? कहाँ से आई हूँ आप? बस मेरा घर पास में ही है। अच्छा, पास में है। चलिए, आपकी पूजा भंग तो नहीं हुई? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत भीड़ है यहाँ फेरी लगाने में, देखिए। जय हो माता लक्ष्मी की। बंदी आंखें दिया बाती, फोटों की है थालियां, जय फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया उशरा वाली माँ तेरिया। भैया हो गया आपका? देंगे तुम ना आंटी, कराइए। लक्ष्मी मैया की जय, माता लक्ष्मी की जय। सब लोग हाथ जोड़िए माँ लक्ष्मी से, सब आशीर्वाद मांगिए। जय माता लक्ष्मी। तो आइए चलते हैं फिर उस मंदिर में जहाँ पर उन्होंने कहा है कि माँ का मांग भरवाना है। यहीं पर विष्णु जी का भी एक बहुत ही जागता मंदिर है, वहाँ पर भी सब लोग दर्शन करते हैं। तो आइए हम वहाँ चलते हैं और अपनी माँ का मांग भरवाते हैं वहीं पर। बहुत भीड़ है और कल इतनी भीड़ होगी ना कि कोई पैर भी नहीं रख पाएगा। तो विष्णु भगवान की जय, विष्णु हरि की जय, नारायण नारायण हरि नारायण नारायण जय जय। चलो रुक गई है एक ही जगह पे। पैसा काट लीजिए, दिया था एक दिए का पैसा काट लीजिए। अरे डरा गिर जाएगा भैया। शनि भगवान की जय, शनि भगवान का भी मंदिर है इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ है। सब शनि भगवान का दिया जला रहे हैं और ये है विष्णु भगवान का मंदिर, यहाँ पर पंडित जी सिंदूर लगा रहे हैं। भागा दे
पंडित जी इस तरह मन्नी निकालते हैं और माँ का मांग भरते हैं। भैया जरा साइड हो जाइए भैया, ओ भैया साइड। अरे भैया हम काम जा रहे हैं। हमें करवाना है लक्ष्मी जी का मार आप तो ले दिया वहीं से उठा कर पैसे दिए हैं कुछ रुपया ना उसका हो गया तब तो कल दे दिए यहाँ के पंडित जी इनका भी कर वो पात्र भी दे दीजिएगा पंडित जी, कैसा हम दे दे रहे हैं आपको। जय हो लक्ष्मी। इनको इसके नीचे पंडित जी मूर्ति के नीचे रख जय मैया रानी। नमो श्री नारायण दीननाथ रे। हाँ चलिए हमको भी लेना है, मम्मी आ नहीं पाई, हमने सोचा कोई था नहीं। अरे तो इतना जगह तो मिल रहा है बाबू, कंफ्यूजन लग रहा है कौन सा ले कौन सा नहीं। यही ज्यादा रहता है छोटा वाला, ये जो चेहरा है ना माँ का वो आधा वाला ना। हाँ वही ज्यादा रहता है। कितने का दिया? हाँ वो हमको 50 के दिए है आगे से। यहाँ सिंदूर लगवाया जाता ना, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी पता था। हाँ लगवा लिए। पूरा जो है हाँ 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 नहीं ज्यादा भीड़ नहीं है कल बहुत। ये हमारे विष्णु भगवान है। जय विष्णु भगवान।
और इधर एक इधर कुंड जाने का रास्ता है, लक्ष्मी कुंड जाने का, तो मुझे थोड़ा जल लेना था, मैं बोतल लेके आई थी। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा लक्ष्मी मतलब काली माता का मंदिर भी है, बहुत ही पुरानी काली माता है और नवरात्रि में इनके यहाँ का भी दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। प्राचीन मंदिर है काली माता का और सब लोग यहाँ भी दर्शन करते हैं। देखिए काली माता का मंदिर है सामने और इस साइड में कुंड है, तो आइए पहले काली माता का दर्शन कर लेते हैं। जय काली माँ, माँ जय जय काली माता। ये देखिए ये हमारी काली माता है, मनोकामना पूर्ण करो माँ, दुष्टों का नाश करो माँ, सबकी रक्षा करो माँ काली, सबकी रक्षा करो, सबके ऊपर दया करो माता काली, सबके ऊपर दया करो। जय जय माँ जगत जननी, जग जय हो माँ काली की, बोल दे काली मैया की जय। आइए अब कुंड की तरफ चलते हैं जहाँ से जल लेना है मुझे। दोस्तों मैंने ये ब्लॉग आप लोग के लिए बनाया है, ये मंदिर वाराणसी में स्थित है जैसा कि मैंने आपको बताया है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो मैंने ये ब्लॉग बनाया ताकि आपको दर्शन करा सकूं। आप ज़रूर देखिएगा मेरा पूरा लक्ष्मी माता के ऊपर का ये ब्लॉग और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और नहीं भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे लिए, नहीं तो लक्ष्मी माता के लिए। ये देखिए पीछे से यहाँ से लक्ष्मी माता का मंदिर दिखता है और हम लोग यहाँ तीज व्रत में भी आए थे जहाँ हम लोग को कहानी सुनाई गई थी। और ये है कुंड जहाँ से हम लोग लेंगे जल, तो साफ जगह से जल लेना है कुंड का, तो हम जल ले लेते हैं और आप सब लोग को बाय बाय बोलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और माँ लक्ष्मी की 16 दिन की पूजा ज़रूर करिए, माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।